नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में हूं जिगर गढ़वी आपनु स्वागत करू छू। शुरुआत करें मुख्य समाचार थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों ना प्रवासे रवाना। व्यापार, ऊर्जा ने सुरक्षा क्षेत्र अन्य देशों साथेना संबंधों मजबूत करवानो रहेशे प्रयास। अफगानिस्तान में सलमा बंधनु करशे उद्घाटन। मथुराना जवाहर बाग में पुलिस और तोफानी तत्वों घर्षण में मृतकों की संख्या वधीने थी 24। 320 लोगों की धरपकड़। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अखिलेश यादवे दोषितों सामे कड़क कार्यवाही आप्या आदेश। स्थिति नियंत्रण में होवानु जणावता राजनाथ सिंह। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक की खास उपस्थिति में जामनगर में त्रिदिवसीय राष्ट्रीय आयुर्वेद सेमिनार प्रारंभ। 500 उपरांत निष्णातों लई रहा है भाग। वर्ष 2017 बाद आयुर्वेद अभ्यासक्रम में प्रवेश माटे नीट पद्धति अमल थशे। गुजरात में आगामी कन्या केळवणी और प्रवेशोत्सव दरमियान शालाओं में भूगर्भ जल संचय अभियान उपाड़वा मुख्यमंत्री आह्वान। अभियान की 15मी श्रृंखलाना आरंभ पूर्वे सचिवों अधिकारियों ने आप्यू मार्गदर्शन। 5% थी ओछा परिणामवाड़ी शालाओं पर अपाशे विशेष ध्यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान, कतार, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मेक्सिको प्रवास माटे रवाना थई चुक्या छे। सौप्रथम ते अफगानिस्तान की मुलाकात लेशे और 1400 करोड़ खर्चे बनेला सलमा डेमनु उद्घाटन करशे। त्यारबाद तेओ कतार पहुंचशे। तारीख 6 जूने प्रधानमंत्री स्विट्जरलैंड पहुंचशे, ज्यां टेक्नोलॉजी तेमज काळा नाणाना मुद्दे चर्चा करवामां आवशे। आगामी 7मी और 8मी जूने तेओ अमेरिका की मुलाकात लेशे। प्रधानमंत्री मोदी त्यानी संसद ने संबोधन करशे, तेमज केटलीक मोटी कंपनीना सीईओ साथे पण मुलाकात करशे। छेल्ले प्रधानमंत्री मेक्सिको पहुंचशे, ज्यां सायंस टेक्नोलॉजी मुद्दे चर्चा करशे। आ विदेश प्रवासनो मुख्य हेतु अन्य देशों साथे व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा में सहयोग अने संबंधों ने मजबूत बनावानो छे। उत्तर प्रदेश में मथेरावना जवाहर बाग में गैरकायदेसर कब्जो जमावनार नेताओं ने देखावकारों पर पुलिस और प्रशासन द्वारा कड़क कार्यवाही करवामां आवी रही छे। पुलिस अत्यार सुधी 320 असामाजिक तत्वों ने झड़पी पाड्या छे। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक जावेद अहमदे जणाव्युं हतुं के आ घटना सर्जनार रामवृक्ष यादव की धरपकड़ माटे व्यापक अभियान हाथ धरायुं छे। जवाहरबाग में पुलिस तपास दरमियान 47 पिस्तौल, 5 राइफल कब्जे कराई थी, जयरे 150 जीवता कारतूस पण जप्त कराया था। पुलिस जणाव्या प्रमाणे हाल जवाहरबाग संपूर्ण खाली करावामां आव्यो छे। केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साथ बातचीत कर शक्य तमाम मदद की खातरी आपी थी। जम्मू काश्मीर अनंतनाग जिल्ला में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय धोरीमार्ग पर बीजबहेड़ा में सेना काफला पर थे हुमला में 3 जवानों शहीद थे, जयरे 9 जवानों घायल थे, बेनी हालत गंभीर है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आ घटना पर दुख व्यक्त करूं। बीएसएफ डीजी साथ बात कर घटना की पूरी जानकारी मेड़ी थी, साथ बीजबहेड़ा की छेली परिस्थिति थी माहितगार थे। जामनगर में सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन दिल्ली द्वारा 3 दिवसीय आयुर्वेद सेमिनार गई काले शुभारंभ थयो हतो। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक की अध्यक्षता में योजायेला सेमिनार में देशभरना 500 निष्णातों भाग ले रहा छे। समय की साथ रहेवा माटे आगामी दिवसों में आयुर्वेद अभ्यासक्रम में केवा फेरफार जरूरी छे ए अंगे चर्चा विचारणा करवामां आवी रही छे। आ प्रसंगे सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन दिल्ली ना प्रमुख प्रकाश त्यागी जाहरात करी थी कि 2017 बाद आयुर्वेद में मेडिसिन क्षेत्र की जेम नीट पद्धति थी एडमिशन और परीक्षा पद्धति लागू कराशे। तो श्रीपाद नाइके समयांतरे आ प्रकार विचार मंथन जरूरी होवानु जणाव्युं हतुं। तो सन 2012 में यहाँ पहले हमारे जो कोर्स थे वो 1.5 साल के कोर्स थे, फिर हमने MBBS के पैटर्न पर उनको एक साल कर दिए थे, क्योंकि विद्यार्थी 1.5 साल तक परीक्षा होती थी तो कक्षाओं में नहीं आते थे, उसके कारण इसको चेंज किया। तो यहाँ पहला सिलेबस 2012 में बना था अगस्त का। जो इतने सालों से जो सिलेबस है इसकी जरूरत के अनुसार उन्हें बदल करने का भी उनका इरादा है, और जो आज के जमाने में उसका महत्व तो कम होगा है वो बदल के नया सिलेबस करने का उनकी सोच है। आज आयुर्वेद क्षेत्र के सभी महनीय वैद्यगण यहाँ उपस्थित है और 3 दिन का ये सेमिनार चलेगा, उसमें से निश्चित तौर से कुछ अच्छी बातें आ जाएंगी।
शाला प्रवेशोत्सव और कन्या केळवणी महोत्सव की 15मी श्रृंखला आरंभ पूर्वे मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में सचिवश्रीओ और अधिकारी मार्गदर्शन बैठक आयोजन करायु। मुख्यमंत्री आगामी 8-10 जून ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 15-17 जून दरमियान शहरी विस्तारों में योजना कन्या केळवणी शाला प्रवेशोत्सव की सफलता श्रृंखला की पूर्व तैयारी की समीक्षा करती अधिकारी मार्गदर्शन आप। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेले आगामी कन्या केळवणी शाला प्रवेशोत्सव अभियान में शालाओं ने भूगर्भ जल टाकानू निर्माण कर वरसादी पाणीनो बारे में संग्रह उपयोग करवानू नवतर अभियान उपाड़वा प्रेरक आह्वान कर्युं हतुं। आ प्रसंगे मुख्यमंत्री जणाव्युं कि शिक्षण कुपोषण मुक्ति और आरोग्य परीक्षण अभियानों संकलन थी लांबा गाळाना परिणामों अवश्य मळशे। शिक्षण मंत्री भूपेन्द्रसिंह चुडासमाए जणाव्युं हतुं कि शाला प्रवेशोत्सव अभियान दरमियान दररोज 2 शालाओनी अधिकारी मुलाकात लेशे और माध्यमिक शाळाना शिक्षणनी माहिती मेळवशे। 5% ओछा परिणामवाळी शालाओ पर विशेष भार मूकवा अंगे पण बैठक में चर्चा कराई हती। महिला बाळ विकास कल्याण राज्यमंत्री वसुबेन त्रिवेदी अध्यक्षस्थाने समीक्षा बैठक योजाई थी। गत वर्ष दरमियान अमदावाद जिल्ला में थयेला विकास कामों की समीक्षा कराई थी। बाकी कामों सत्वरे पूर्ण करने अधिकारी अनुरोध कर्यो हतो। वर्ष 2016-2017 अमदावाद जिल्लाना विकास माटे विकेन्द्रित योजना अंतर्गत रूपया 1,025 लाख कामों हाथ धराशे। जिल्लाना तमाम तालुका माटे रूपया 100-125 लाख सुधीना प्राथमिक कामों पूरा कराशे। गटर लाइन पाणी पुरवठा रस्ता वीजळी आंगणवाड़ीना मकानों जेवा कामों ने प्राथमिकता आपवामां आवशे। आ बैठक में 125 शिक्षकों और 50 विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय और सॉफ्ट स्किल की तालीम तेमज प्रमाणपत्र अपाया हता। जिला पंचायत प्रमुख जिला विकास अधिकारी तेमज तालुका प्रमुख सहित महानुभावों बैठक में उपस्थित रहा था। गांधीनगर खाते आवेली गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में 22मू पेटंट क्लिनिक योजायु हतु। तेमा पेटंटनू ड्राफ्टिंग केवी रीते करवु तेनी विस्तृत माहिती आपवामां आवी हती। जीटीयू द्वारा छेल्ला 3 वर्ष में एंजीनियरिंग और फार्मसी में 356 जेटली पेटंट फाइल करवामां आवी छे। आ कार्यक्रम में नवी पेटंटनी माहिती और तेनी प्रक्रिया शू छे अने पेटंट केवी रीते मददरूप बने छे तेनी तमाम प्रकारनी माहिती आपवामां आवी हती। विद्यार्थी और फेकल्टीज दर वर्षे दर पेटिंग क्लिनिक में नवा नवा आता हो कारण के जीटीयू ना मास ज एटलो मोटो है कि एने केटर करवा माटे अमे लगभग 2 महीने एक पेटिंग क्लिनिक करता होईए छे। अने बीजू आ वक्त अमे एक स्पेशल मार्गदर्शन आपवाना छे कि इंडियन गवर्मेंटे रिसेंटली नेशनल आईपीआर पॉलिसी रिलीज करी है 13मी मेना रोज और स्टार्टअप पॉलिसी जान्युआरी में लॉन्च करेली है तो एमा पण घणा बधा बेनिफिट्स स्टार्टअप तरीके नेशनल आईपीआर पॉलिसी में आपवामां आवेला छे एनो पण अमे विस्तृत डिस्कशन करवाना छे। अमारो टॉपिक एवो छे के जेमां अमे काइनेटिक एनर्जी मूविंग व्हीकल्स नी ए अमे यूटिलाइज करीने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी शकीए। व्हीकल्स नी काइनेटिक एनर्जी आपणे मोस्ट ऑफ केसीस में 50-60% ये वेस्ट जती हो अमे यूटिलाइज करवा है। मारो प्रोजेक्ट है एर पावर्ड बाइसिकल है कि जेमा अत्यारे जे नॉर्मल जे साइकल है एनी अंदर पेडल मारी वर्क करव पड़े अने कारण आपणे एक जगह थी बीजी जगह जई शकीए छीए। मे टाइप की साइकल बनाई है कि जेनी अंदर आपणे पेडलिंग वर्क ना करव पड़े स्टार्टिंग में पेडलिंग वर्क करव पड़े और एना पछी 1 किलोमीटर सुधी तमे एमने एम जई शको ए रीते मैं कॉम्प्रेस्ड एर टेक्नोलॉजी यूज कर एर पावर्ड बाइसिकल में बनाएली है। जूनागढ़ जिला रोजगार कचेरी द्वारा महसूली भवन खाते महिला भर्ती मेला आयोजन कर टाटा नेनो फोर्डनी वेन्डर कंपनी येजाकी इंडिया लिमिटेड में अमदावाद और बावड़ा खाते प्लांट की लाइन ऑपरेटर 300 जगह योजाये भर्ती मेला उद्देश्य महिलाओं ने पगभर बनाने रोजगारी आप। आ प्रसंगे जिला रोजगार अधिकारी सीजे दवे जु कि महिलाओं खानगी क्षेत्र में रोजगारी तक झड़पी लेइए तो येजाकी कंपनी सर्विस अधिकारी भार्गव जोशीए जु कि कंपनी तनाम कर्मचारी महिला हो दिशा में आग रही है। आ कंपनी में धोरण 10 पास बहनों की भर्ती कर उपरांत पगार नाश्ता भोजन तमज ट्रांसपोर्टेशन सहित सुविधा पूरी पा रोजगार भर्ती मेला कार्यक्रम में रोजगार अधिकारी तेमज काउंसेलर पण हाजर रहा था। अमदावादना रविशंकर कला भवन खाते राज्यना वन विभाग द्वारा तारीख 8 जून सुधी एक फोटो प्रदर्शन नू आयोजन करायू छे। वन राज्यमंत्री बच्चूभाई खाबड़े आ प्रदर्शन ने खुल्लू मूक्यू हतू जेनो हेतु लोको मां वन्यजीवोना जतननी भावना वधे वन्यजीवन अपराध घटे अने वन्य सृष्टि थी लोकोने माहितगार करवानो छे। आ वर्षे पर्यावरण दिन विषय वस्तु गो वाइल्ड फॉर लाइफ है।
આંતરરાષ્ટ્રીય પર્યાવરણ દિન નિમિત્તે ગુજરાત ઇકોલોજી કમિશન દ્વારા વન કી બાત ફોટોગ્રાફી સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં વિવિધ રાજ્યોના 250 જેટલા ફોટોગ્રાફર્સે ભાગ લીધો હતો, જે પૈકી શ્રેષ્ઠ ફોટો વિજેતા ફોટોગ્રાફર્સની 68 કૃતિઓ આ પ્રદર્શનમાં મુકાઈ છે. વાઘ, સિંહ, હરણ, ઘુડખર, મોર, હંસ, વૃક્ષો એવા તમામ આકર્ષક ફોટોગ્રાફ્સ લોકોની પસંદ બન્યા હતા. ગ્લોબલ વોર્મિંગની સ્થિતિમાં ખેડૂતોની હાલત કફોડી છે. ક્યારેક વરસાદ ઓછો પડે તો ક્યારેક ગરમીથી ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠે, તેવામાં પાકને માઠી અસર પહોંચે છે. પરંતુ દિતલા ગામના એક પ્રગતિશીલ ખેડૂતના એક નુસ્ખાએ આ સમાધાન શોધ્યું છે, જેમાં પાક નિષ્ફળ થયા છતાં તેમને આર્થિક અગવડ અનુભવવી પડતી નથી. કેવો છે આ પ્રયોગ જોઈએ આ અહેવાલમાં. અમરેલી જિલ્લાના દિતલા ગામના ખેડૂત જિલ્લાભરના ખેડૂતો માટે ઉદાહરણ સ્વરૂપ બન્યા છે. પાકમાં નિષ્ફળતા, ઓછો પાક કે વરસાદની અનિયમિતતા છતાં આ ખેડૂત મબલક કમાણી કરી રહ્યા છે. ખેતરમાં જે તે પાક સાથે શેઢે શેઢે જાંબુ અને લીંબુનું પણ તેમણે વાવેતર કર્યું છે, જેનાથી દર વર્ષે 2-3 લાખ સુધીનું ઉત્પાદન મળી રહે છે. 2 લાખ રાખ્યા, 30 ઝાડવા 10-12 જણા છે, અમને અમારી રોજી રોટલો મળી જાય છે. આપણા મોટો ફાયદો થાય છે. બચુભાઈ ઝાલાએ પોતાની દીર્ઘદ્રષ્ટિ વાપરીને પાકમાં નુકસાન જાય છતાં શેઢે કરેલા વાવેતરથી કમાણી કરી છે. જાંબુમાં નવી ટેકનોલોજીનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે. જાંબુની ખાસ વાત એ છે કે ડાયાબિટીસની દવા તરીકે તેનો ઉપયોગ થાય છે, તો પથરીમાં પણ તે અક્સીર ઇલાજ છે. સેટાપાળાનું મારે 2 સેટે વાવ્યા છે, 30-32 ઝાડ છે, 2-2.5 લાખ રૂપિયા આવે છે. અને આ ડાયાબિટીસની સ્પેશિયલ દવા છે, એના બીનો પણ પાવડર બનાવીને ડાયાબિટીસમાં ઉપયોગ થાય છે. અને છેટે લીંબુ પણ મેં વાવ્યા છે, એ પણ 10 વીઘા વાડી છે મારી. પણ લીંબુ અને રાવણા થઈને અંદરનું ઉત્પન્ન જે આવે છે, એથી વધારે છેટાનું ઉત્પન્ન આવે મારે. દિતલા ગામના ખેડૂતનો આ પ્રયોગ આર્થિક સદ્ધરતા આપનારો સાબિત થયો છે, અને હવે જિલ્લાના અન્ય ખેડૂતો પણ ખેતરના શેઢે જાંબુ અને લીંબુ જેવા વૃક્ષો વાવી ઉત્પાદન લેતા થયા છે. દૂરદર્શન સમાચાર માટે અમરેલીથી હસમુખ રામાણીનો અહેવાલ. સાપુતારા ખાતે ડાંગ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને નોટિફાઈડ એરિયાના સંયુક્ત ઉપક્રમે 2 જૂનથી સમર ફેસ્ટિવલ 2016નો પ્રારંભ થયો છે. ગુજરાત પ્રવાસન નિગમના ડિરેક્ટર ગજેન્દ્રસિંહ જાડેજાના અધ્યક્ષસ્થાને આ ફેસ્ટિવલનો પ્રારંભ કરાયો હતો. આ મહોત્સવમાં ડાંગના પારંપરિક નૃત્યો સહિત આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના કલાકારોએ પોતાની કલા દર્શાવી હતી. કલાકારો દ્વારા દુબઈ, ઇજિપ્ત જેવા દેશોમાં થતો તનોરા ડાન્સ રજૂ કરાયો હતો. આદિજાતિ વિભાગની બાળકીઓ દ્વારા બેટી બચાવના અદ્ભુત સંદેશ સાથેની કૃતિ રજૂ કરવામાં આવી હતી. જિલ્લા કલેક્ટર એમ જે ઠક્કરે જણાવ્યું કે પ્રવાસીઓના મનોરંજનને ધ્યાનમાં રાખીને આ પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં વધારો થાય તે હેતુથી આ પ્રકારના ખાસ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાઈ રહ્યું છે. ફિનલેન્ડ, મોંગોલિયા અને તાન્ઝાનિયાના એમ્બેસેડર અને હાઈ કમિશનરે આણંદની મુલાકાત લીધી હતી. પ્રતિનિધિમંડળે અમૂલ ડેરીની મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં અમૂલના પબ્લિક રિલેશન ઓફિસર સુંદરમે અમૂલની સ્થાપના કેવી રીતે કરવામાં આવી તથા અમૂલના યોગદાન અંગેની ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ દર્શાવી હતી. અમૂલ પ્લાન્ટની મુલાકાત અને ડોક્ટર કુરિયનને મળેલ એવોર્ડ જોઈને તેઓ પ્રભાવિત થયા હતા. ઉપરાંત ઇન્ડિયન રૂરલ મેનેજમેન્ટ ઇરમાની મુલાકાતમાં ઇરમા દ્વારા તેઓને ડોક્યુમેન્ટરી બતાવવામાં આવી, જેનાથી પ્રભાવિત થઈ તાન્ઝાનિયાના હાઈ કમિશનર ઓફ ઇન્ડિયા શ્રી સંદીપ આર્યે તાન્ઝાનિયાના વિદ્યાર્થીઓને ઇરમા તાલીમ આપે એવી વ્યવસ્થા ગોઠવવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. નવસારી જિલ્લાના નાંદરખા ગામે એક બહાદુર મરઘાએ 6 દીપડાને પાંજરે પુરાવીને ગ્રામવાસીઓને ભયમુક્ત કર્યા હતા. દિવસે દિવસે દીપડાની વસ્તી માનવજાતિ માટે ખતરારૂપ બની ગઈ છે. નાંદરખા ગામના વન વિભાગે પાંજરામાં મરઘાનું મારણ મૂકીને જાન્યુઆરીથી મે સુધીમાં કુલ 7 જેટલા દીપડા પકડ્યા છે. આ દીપડાઓને પકડવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવનાર મરઘો ગ્રામજનોમાં બહાદુરીની મિસાલ બની ગયો છે. મારણ સ્વરૂપે મુકાયેલા મરઘાએ 6 દીપડાઓને પકડવામાં સફળતા મેળવી હતી, પણ 7મા દીપડાને પાંજરે પુરાવા જતા તેની પાંખમાં ઈજા થતા તેની પાંખ તૂટી ગઈ હતી. સાથે જ આ સમાચાર બુલેટિન અહીં સમાપ્ત કરીએ છીએ. નમસ્કાર.